सलामुअलैकुम। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आज है जुमरात, आज स्कूल छुट्टी है, फ़िलहाल आज ही छुट्टी है। तो आज सो के उठे हैं भाई, 10 से 11 बजे के बीच में सो के उठे गए हैं, बगाला खबूस लाए हैं, नाश्ता किए हैं, उसके बाद नहाए हैं, कपड़ा धोए हैं, धो के फ़िलहाल अभी बैठे हुए हैं। नमाज का समय हो चुका है, जा रहे हैं, जोहर के अजान पड़ चुका है, जाएंगे नमाज पढ़ेंगे। फ़िलहाल कोई काम नहीं है, बिंदास है, कोई काम नहीं, रेस्ट लो, आराम करो। और आज का फ़िलहाल अभी तक तो कोई काम का खबर नहीं है, कोई काम का बात नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो आराम से बैठे रहो। नमाज जा रहे पढ़ने, नमाज पढ़ के आते हैं, उसके बाद खाना बनाया जाएगा इंशाल्लाह। देखते हैं क्या बनाएंगे और क्या खाएंगे, उसके बाद फिर कहीं अगर जाना होता है तो जाया जाएगा, उसके बाद वीडियो बनाया जाएगा कहीं और का। फ़िलहाल अभी तो कहीं जाना नहीं है, तो बैठे हुए हैं, आराम से हैं। बाहर में गर्मी बहुत है, धूप आप देख ही रहे हैं, धूप का नज़र से आपको दिखाई दे रहा है कि धूप किस तरह का है। अंधेला अंधेला नहीं है, धुंधला नहीं है, धूप बहुत ज़्यादा है, इसके वजह से इस तरह दिख रहा है। भैया हमारा मोबाइल जो है वो ज़्यादा हाई फाई है नहीं, इसके वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आता होगा बैक साइड में धूप का, उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, देखिए और चलते हैं। अगर दूसरा कहीं जाना हुआ तो उस पर वीडियो बनाते हैं, अगर फ़िलहाल अभी तो कहीं जाना नहीं है, अभी जा रहे हैं मस्जिद, नमाज़ पढ़ ले रहते हैं, क्योंकि नहीं जाएंगे मस्जिद, कहीं से कॉल आ जाएगा फ़िलहाल अभी तो मस्जिद में जाते हैं। कॉल अगर आता है तो बोल दे देंगे कि मस्जिद में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो चलते हैं मस्जिद में। आज तलाजा में पानी बहुत सारा भरा हुआ है, दोनों तलाजा में पानी पूरा भरा हुआ है, पानी की कमी नहीं है, इसमें भी है। तो पढ़ चुके हैं नमाज, निकल रहे हैं मस्जिद से। आज तलाजा में पानी, दोनों तलाजा यानी फ्रिज, यहाँ तलाजा फ्रिज को बोला जाता है, तो दोनों फ्रिज में पानी भरा हुआ था, पानी बहुत ही ज़्यादा भरा दिए हुआ है। और भाई यहाँ पे पानी बहुत सारा देता है, मतलब देता है बंदे लोग को पीने के लिए, तो हमेशा फ्रिज में पानी डला हुआ रहता है। और हर मस्जिद का सिस्टम है, ऐसा नहीं कि एक ही मस्जिद का है। देखिए कबूतर, यहाँ ना आपको कबूतर बहुत सारा मिलेगा, हर जगह पर कबूतर ही मिलेगा, कबूतर ये मस्जिद के पास ही कबूतर है। तो मस्जिद से रूम के पास आ चुके हैं, ये घर के पास जो पार्क किया हुआ है गाड़ी, इसी जगह पे आए हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा धूप है, गर्मी कम है पर धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि हवा चल रहा है तो गर्मी उस तरह से महसूस नहीं हो रहा है, पर अगर आप धूप में जाओ तो आपको गर्मी महसूस होगा, और धूप बहुत ही ज़्यादा धूप लग रहा है। तो चलते हैं खाना कुछ बनाते हैं, क्योंकि खाना नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, तो भाई खाना तो बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं देखते हैं क्या बनाते हैं खाने का। कुछ चावल दाल सब्जी कुछ भी हो सकता है उसको बना लेंगे, और बनाने के बाद फिर खाया जाएगा, और उसके बाद देखते हैं अगर कहीं जाना हुआ, कहीं बोले अगर जाने के लिए तो जाया जाएगा, क्योंकि आज मैडम का वादली साहब यानी फादर फादर का दावत है, वो फादर साहब आने वाले हैं, मैडम के फादर जो हैं उनका यहाँ दावत है, तो वो आएंगे, तो अगर कहीं फिर जाना हुआ तो फिर जाया जाएगा। फ़िलहाल अभी तो कहीं जाना नहीं है, क्योंकि सुबह से कहीं कोई जाने का कोई खबर कॉल नहीं आया है कि कहीं भी जाना है, तो चलते हैं कुक कर लेते हैं, अपना खाना बनाते हैं। 1 घंटा लगता है खाना बनाने में, खाना बन जाएगा 1 घंटे में, तो बनाते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो अब्दुल्ला को लेके आए हुए हैं इस जगह पे, इस मॉल में, पता नहीं कुछ लेने आया है। ये है मॉल और ये है रोड, हाईवे रोड है, यहाँ पे आए हुए हैं। ये बहुत ही बड़ा मॉल है, इस मॉल में कुछ लेने आया है, पता नहीं क्या लेने आया है, लेकिन मॉल में आए हुए हैं लेने के लिए। मॉल देख रहे हैं बहुत ही बड़ा है, वहाँ से ले के पूरा ये सब देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है, पूरा कहाँ तक है, पूरा वहाँ तक का है पूरा दम। सामने में रोड है, हाईवे रोड चल रहा है, मॉल है, बहुत दूर तक मॉल है, देख रहे हैं पूरा वहाँ तक का मॉल है। ये रोड का उस पार का सीन है, उस पार में भी है, ये मॉल है, और ये रोड के इस पार में हम हैं, इस रोड के इस पार में एक मॉल है, रोड के इस पार में मॉल और रेस्टोरेंट, यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा आपको, अधिकतर मॉल और रेस्टोरेंट, एक से एक रेस्टोरेंट, एक से एक मॉल। तो फिलहाल अभी आए हैं, अब्दुल्ला फोन किया कि हमको जाना है, चलो लोकेशन सेंड किया, लोकेशन से आए, तो पता नहीं था ये मॉल के बारे में कि यहाँ पे कोई मॉल भी है, तो लोकेशन वो सेंड किया था, लोकेशन को लेके देख के हम आ गए मॉल में।
देखिए यहाँ पे जो गाड़ी जो टर्न लिया जाता है तो ऐसे नंबर लगता है, एक साथ लाइन लगा के आपको टर्न लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप ओवरटेक करके टर्न ले लेते हैं, एक दूसरे के पीछे पीछे आपको जाना होगा और फिर यू टर्न लेना होगा। ओवरटेक करके अगर जाइएगा तो आपका मुखालफा आ जाएगा। तो ये यहाँ का सिस्टम है कि भाई लाइन बाई लाइन आपको टर्न लेना है, ओवरटेक करके जाना नहीं है। ओवरटेक करके जाइएगा, सुरता यानी पुलिस देख लेगा, आपका मुखालफा आएगा। तो ले चुका है जो उसको लेना है, कॉल किया है गाड़ी लेके आने के लिए, तो गाड़ी हम पार्क किए हुए हैं, अब चलते हैं। वो तो आ गए हैं अब्दुल्ला को लेके, वो गया था चश्मा लेने के लिए, मॉल के अंदर ही चश्मा का दुकान था तो चश्मा लेने गया था, चश्मा ले लिया। फिलहाल असर का समय हो गया हुआ है, देखते हैं अगर कहीं से कॉल अंदर से नहीं आया कहीं जाने का तो चलते हैं मस्जिद, अगर कॉल आएगा तो फिर लेके जाना होगा कहीं भी इन लोग को। 10 मिनट वेट करते हैं, अजान अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो अजान होता है तो चलते हैं मस्जिद की तरफ। तो शाम 6 बज चुका है, मगरिब का समय हो चुका है, अजान पड़ रहा है और फ़िलहाल कहीं जाना हुआ नहीं। जो गए थे मॉल अब्दुल्ला के साथ, उसके अलावा और कहीं गए नहीं हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अस्सलामु अलैकुम।